हम ही देखें, अदीला बेगम समझती हैं कि अगर कदर उनकी भाभी के दरमियान दोस्ती होगी ना, तो हो सकता है उस दोस्ती की खातिर कदर उनके भाई को माफ कर दे, इसीलिए उनको बराबर में किराए के घर में शिफ्ट करवाया है। पहले उसे तकलीफें क्या कम पहुंच रही हैं, जो उसका एतबार तोड़कर उसे मजीद तकलीफ पहुंचाना चाहते हो तुम? हाँ तो किसने कहा था कि बड़ों की मुखालफत करे? जब सब राजी थे तो क्या जरूरत थी इस तरह जिद लगाने की? अरे एमन, कुछ तो खुदा का खौफ करो तुम। पैसे के लालच ने तुम्हारे अंदर की इंसानियत को बिल्कुल ही मार डाला है। इसीलिए तुमने किचन में फ्रिज का दरवाजा लॉक किया। हाँ याल्ला, किस दौराहे पर लाकर तूने मुझे खड़ा कर दिया? अरे मेरे घर में मेरे बेटे के कातिल की बीवी और उसकी बहन का कहा चल रहा है, और उसकी बेवा उसको अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए अपने दुश्मनों के टुकड़ों पे पलना पड़ रहा है। क्या कयामत किसी और दिन आएगी? अरे अम्मी, ऐसा करेंगे तो उनकी दोस्ती होगी ना। क्या आप नहीं चाहती कि मेरा बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, बड़ा आदमी बने, बड़े घर में रहे, माशरे में एक मुकाम बनाए? जब से वकील से मिल के आई हूँ थोड़ी परेशान। दुरिया, तुम्हें लगता है कि अगर तुम उसे अपनी दोस्ती मजबूत करोगी तो तुम्हारी खातिर वासे को माफ कर देगी? अदीला बाजी, अगर अल्लाह चाहे ना तो किसी की भी किस्मत एक लम्हे में बदल सकता है। और कदर बहुत नरम दिल की है, मुझे यकीन है इस बात का। अगर उसे मुझ पर रहम नहीं आया ना तो मेरी बेटी पर जरूर आएगा। मुझे लगता है उसे इस वक्त तुम्हारी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होगी। उसे अपनी तरफ से मदद के तौर पे 1.5-2 लाख दे दो। उसे तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस वक्त अगर तुम उसे कुछ भी दोगे ना, किसी किस्म का पैसा दोगे, वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। अदीला बाजी ठीक कह रही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरा मुकद्दर, वैसे भी हम उसके सामने बेकार ही हैं, जिंदगी मांग रहे हैं। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद करते उसका नाकाबले तलाफी नुकसान किया, अगर उसके बदले में उसकी थोड़ी सी मदद करते तो उसमें हर चीज क्या है? और वैसे भी आप लोग तो उसका दिल जीतना चाहते हैं ना। दिल हमेशा मुखलिस होकर ही जीता जा सकता है।